तो आज के हमारे इस क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल में स्लाइसर्स एंड मल्टीपल पिवट्स की क्यों जरूरत पड़ती है। और हमारे साथ मैंग जी है। तो मैंग जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें एक ही डेटा के पे मल्टीपल पिवट क्यों लगाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने पिवट टेबल से लगाया और मैंने मान लीजिए कि कोर्स वाइज हमने यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज यहाँ निकाल लिया कि किस कोर्स की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, राइट? और रिपोर्ट हमारा बन गया। अब मुझे इसी में इसका प्राइस भी निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं इस पे चार्ट भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा चार्ट लगा दिया। यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि हाँ फलाना ये क्वांटिटी है, इस कोर्स का इतना टोटल बगड़ा है। अब हमारे बॉस ने बोला कि हमें इसमें ये भी चाहिए, एमआरपी भी चाहिए, मतलब कि इसकी प्राइस भी चाहिए। तो इसकी जो टोटल प्राइस है मैंने इस पे यहाँ पर रख दिया। अब टोटल प्राइस रखते ही मेरी क्वांटिटी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है माने लाखों में है और आपका प्राइस कम क्वांटिटी कम है, यस ठीक है? इसलिए अब बोला इसमें हम सेकेंडरी एक्सिस भी लगा सकते हैं, बट सेकेंडरी एक्सिस लगाने पे दो ही होगा, लेकिन दो तीन तीन चार, अगर चार पांच इस तरह की चीजें हैं तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं जो है टोटल हटा देता हूँ। हम क्या करते हैं कि चार पांच अलग से पिवट ही बना देते हैं, ठीक है? तो हम यहां से एक बार पिवट टेबल पे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाके जो पहले से लगी पिवट है उस पे जाते हैं और ओके करते हैं। यहाँ मेरा दूसरा पिवट इसी सीट पे, दूसरे सेम डेटा पे इसी सीट पे दूसरा पिवट लग गया। ओके, और यहां पे मैं कोर्स वाइज टोटल निकाल लेता हूं। अब दो अलग अलग पे हम पिवट लगाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है? अब मुझे यहां पे एक बार और चाहिए कि मुझे यहां पे कोर्स वाइज नहीं, यहां पे मंथ वाइज टोटल चाहिए। तो मैंने इसी पिवट को कॉपी किया और यहां पे पेस्ट कर दिया। तीसरा पिवट लग गया और यहाँ पे मैंने मंथ वाइज टोटल क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मंथ हमने रखा और क्वांटिटी को मैंने यहाँ पे रखा। ऐसे और भी पिवट बनाए जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल मैं तीन रखता हूँ। अब तीन पिवट है मेरे पास। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, क्योंकि कोर्स वाइज मंथ वाइज है, मैं चाहता हूँ इस पे फिल्टर लगे। तो 100 पिवट यहाँ पे मैं नेम वाइज या सिटी वाइज या एरिया वाइज हम फिल्टर लगाते हैं, सिटी और एरिया रख दिया। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम हो रही है। पहली प्रॉब्लम कि जैसे मैंने पुणे को मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लिया सेंट्रल या ईस्ट। अब यहाँ पे मैं पुणे सेलेक्ट करता हूँ तो पुणे का डेटा है ही नहीं। मैं दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ तो दिल्ली का डेटा भी नहीं है। मैं सेलेक्ट करता हूँ नोएडा तो नोएडा का भी डेटा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर क्या हम सिलेक्ट करें ताकि क्या क्या इसमें है, कैसे पता चले। क्या बैंक जी समझ में आया आपको प्रॉब्लम? तो यस सर पहली प्रॉब्लम तो आपकी ये हो गई कि जब आप फिल्ट्रेशन लगाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपने अगर कई सारे फिल्टर लगाए हैं तो किस में क्या है क्या नहीं है कैसे पता चलेगा। पता तो नहीं चलेगा ना सर? तो यहाँ पे अगला जो ऑप्शंस है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया ईस्ट तो मेरा सिर्फ एक पिवट इफेक्टेड हुआ, बाकी पिवट इफेक्टेड नहीं हुआ।
तो इसी की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइसर। तो हम जाएंगे इंसर्ट में और हम यहां से नहीं, इंसर्ट में नहीं, माफ कीजिए, इंसर्ट से भी स्लाइसर ले सकते हैं हम यहां पे, लेकिन बेटर होगा कि हम पिवट टेबल यूज कर रहे हैं तो पिवट टेबल के एनालाइज में जाके यहां से स्लाइसर को ले और यहां से स्लाइसर ले। जैसे मान लीजिए मुझे चाहिए एरिया और सिटी का, एरिया और सिटी का स्लाइसर हमने ले लिया। अब स्लाइसर लेने से एक फायदा हुआ, अब फिल्टर आप यहां से हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहां पे एक मिनट राइट क्लिक करके शो फील्ड पे आके हम यहां से इसकी फिल्टर यहां से हटा देते। अब मैं यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मैंने अगर ईस्ट सेलेक्ट किया तो ईस्ट सेलेक्ट करते ही देख गया कि ईस्ट जो है नोएडा और पटना में ही डेटा है, बाकी सिटी में डेटा नहीं है क्योंकि बाकी सिटी हाईलाइट नहीं है। सेम उसी तरह से अगर मैंने अगर पुणे सेलेक्ट किया तो सिर्फ साउथ का डेटा है, दिल्ली सेलेक्ट किया तो वेस्ट का है, नोएडा सेलेक्ट किया तो ईस्ट है सिर्फ। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि कौन सा सिटी है नहीं। एक से ज्यादा सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ईस्ट और सेंट्रल चाहिए तो इस पे क्लिक को होल्ड रखते हुए माउस को मूव कीजिए, जहां तक मूव कीजिए वहां तक सेलेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहां पे मेरी एक प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन तो मिल गया कि हमारा पिवट में जब फिल्टर यूज करेंगे तो किसका किसका डेटा है और किसका किसका डेटा नहीं है मुझे पता चल जाएगा। ओके मैन जी, लेकिन प्रॉब्लम दूसरा आ गई कि अगर मैं सेंट्रल सेलेक्ट करता हूं तो मेरा एक ही पिवट इफेक्टेड होता है, बाकी दो तीन पिवट जो है इफेक्टेड नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हर पिवट पे क्लिक करना होगा और जाना होगा पिवट टेबल एनालाइज में और यहां जहां से आपने स्लाइसर इंसर्ट किया है उसी के बगल में है फिल्टर कनेक्शन, यहां पे आपने फिल्टर कनेक्शन पे क्लिक करना होगा जो स्लाइसर आपने एड कर रखे उस पे। यहां भी फिल्टर कनेक्शंस सेलेक्ट किया एंड ओके। अब मैं यहाँ पे सेंट्रल भी क्लिक करता हूं तो सेंट्रल आता है, नोएडा पे क्लिक करता हूं तो नोएडा आता है, दोनों पिवट यहां देखिए इफेक्ट हो रहा है, तीनों हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने चार्ट इंसर्ट किया था तो यहां से आप चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं और चार्ट पे भी सेम रिफ्लेक्शन होगी और चार्ट के डिजाइन में जाके अच्छा सा चार्ट का फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूं मैं। तो मैम जी आपको समझ में आ रही है ना सर? जी सर। तो लाइव क्लास का बेनिफिट यही होता है ना सर कि तुरंत आप जो भी प्रॉब्लम है पूछ ले। थोड़ा सा मेरे को एक थोड़ा सा एक चार्ट का डिटेल्स चाहिए था कि हाँ चार्ट भी पढ़ा रहा हूँ मैं, चार्ट भी अगली टॉपिक हमारी चार्ट okay. है तो मैं बताऊंगा okay. मैं बता रहा हूँ okay. चार्ट भी सिलेक्ट किया जा सकता है और चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन में जाइए, यहाँ पे चार्ट को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ डिजाइन में जाइए, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट के फॉर्मेट्स है, जो फॉर्मेट करेगा वो ले लीजिए। अब जरूरी के चार्ट को सेम पिवट का सीट और चार्ट सीट सेम होनी चाहिए, चार्ट लगाने के बाद आप उसको कट कर लिख के जिस सीट पे रखना चाहते हैं उस सीट पे रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने चार्ट को उठा के यहाँ रख दिया, फिर वापस डेटा शीट में आता हूँ, इस पे मैं लगा देता हूँ इंसर्ट लाइन चार्ट और लाइन चार्ट के भी एक फॉर्मेट यहाँ से डिजाइन करता हूँ और यहां से हम कट करते और हम शीट टू के अंदर लाइन चार्ट यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहां जो हमने हमारा जो ये है स्लाइसर लगा हुआ है इसको भी कंट्रोल से कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करके मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर कट करके आप जहां मूव करना चाहो वहां मूव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूसरे शीट पे इसको मूव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि मैंने ईस्ट सेलेक्ट किया तो देखिए ईस्ट का डेटा आया। आ गया सर, जो क्लिक कर रहा हूं यहां मेरा चार्ट चेंज हो रहा है। हो रहा है yes. ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैं सिलेक्ट करा, जैसे मैंने मान नोएडा सेलेक्ट कर लिया तो क्या हुआ कि आपके अंदर जो पिवट है सब में नोएडा का डेटा आ गया और आपका जो चार्ट है पिवट से कनेक्टेड है इसलिए आपका चार्ट भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो एक तरह से डैशबोर्ड का काम आप कर सकते हैं स्लाइसर की मदद से। ओके सर, कोई डाउट इसमें? नो सर। चलिए एक बार और देखूंगा।
बात हाँ, है। इसको देखना तो पड़ेगा। अब बात आती है कि स्लाइसर को सिर्फ हम पीवर्ड पे ही लगा सकते हैं, हम चार्ट इस पे और डेटा पे भी लगा सकते हैं। तो डेटा को आपको टेबल फॉर्मेट में आपको सिलेक्ट करना होगा, तो टेबल सिलेक्ट करके इसको टेबल में कन्वर्ट कर दीजिए। जब टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके ऊपर आप स्लाइसर यूज कर सकते हैं, जैसे कोर्स हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया, एरिया हो गया, मंथ हो गया, मोड हो गया, हमने क्लिक किया सारे आ गए। आप इसको अरेंज कर लीजिए। अब जो साइज दिख रहा है इसको कम और ज्यादा भी किया जा सकता है, जैसे कम किया और ऊपर स्लाइसर के अंदर जो ये वन दिख रहा है कॉलम्स को कर देंगे तो डबल कॉलम्स में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अरेंज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। जैसे कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको डबल कॉलम कर दिया तो और जगह बन गई, और थोड़ा छोटा कर सकता हूं मैं क्या? यस सेम मंथ है हमारा, तो मंथ को मैं यहां से स्लाइसर में आता हूं, यहां पे डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम में कर देता हूं, नहीं ट्रिपल कॉलम ही जाएगा, चार कॉलम फिर साइज बढ़ाना पड़ेगा, साइज को छोटा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे जोन आएंगे, जोन को भी डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम, डबल कॉलम ही सही है, हम डबल कॉलम कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम सिटी रख देते हैं और यहाँ पे हम नेम रख देते ओके हैं, नेम को भी डबल कॉलम और सिटी को भी डबल कॉलम कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर सिलेक्ट करने से क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बीआई को सिलेक्ट किया तो यहाँ देखिए बीआई का डेटा फिल्टर हो गया, बीआई में मुझे दिल्ली का डेटा चाहिए तो दिल्ली का डेटा आ गया, उसमें मुझे लीला का डेटा चाहिए तो लीला का डेटा आ गया। ओके, अब इसमें एक और बेनिफिट है, एक फॉर्मूला होता है जहां इसका यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ पे मान लीजिए मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, राइट? तो आप बोलेंगे इसके लिए फॉर्मूला है, क्या जरूरत है? सो इसके सिंपल सा हम सम लगा देंगे क्या? तो सम लगाने से प्रॉब्लम होगी, जैसे मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया तो यहां पे डेटा तो एक्सेल का दिख रहा है बट सम जो है सिर्फ, और सम तो ओवरऑल का हो रहा है, मैं चाहता हूँ जो फिल डेटा दिखे उसी का टोटल दिखे। तो उसके लिए यहाँ पे हम बात करते हैं सब टोटल का, सब टोटल, और इसमें सिलेक्ट करते हैं कि आपको सम किसका करना है। तो हमने बोला सम करना है नंबर 9, मतलब कि सम करना है, क्योंकि सब टोटल में मतलब सिर्फ सम ही नहीं और भी चीज कर सकते हैं। तो 9 को सिलेक्ट करके टैब प्रेस किया या मेनूली 9 लिख भी सकते हैं। उसके बाद अपना डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो अब क्या बेनिफिट होगा कि जैसे फिल्टर करूंगा, मैंने एक्सेल सिलेक्ट किया एक्सेल का आ गया, मैं जैन सिलेक्ट किया जैन का आ गया, इसमें मैं साउथ सिलेक्ट करता हूँ तो साउथ का डेटा आया। ठीक है, तो जो यहाँ टोटल दिख रहा है तो इसका ही टोटल दिख रहा है, तो इसका बेनिफिट आप कर सकते हैं। तो स्लाइसर का इस्तेमाल हम लोग डेट टेबल्स के लिए बड़े आराम से करते हैं, डैशबोर्ड्स के लिए करते हैं। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आएगा। प्रैक्टिस करते कोई डाउट होगा तो कॉल कर लीजिए।